दे रहे हैं तो हम लोग क्या करें, उनके यहाँ जाके गिड़ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। वो अपना बयान देते रहे, वो अपना काम करते रहे। जब हाथी जब सड़क पर चलता है तो हर छोटा 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 जो जीव होता है, गाय बकरी जो भी, तो बेचारा किनारे पकड़ लेता है कि पैर तो न आ जाए। विशेष इनको बारे में बोलना, कुछ भी बोलेंगे तो बहुत कम होगा, इसलिए कि अपने आप के ही सुधरे और ये अपना जो कर रहे हैं वो करें। इनको बोलने से या करने से कुछ नहीं होगा, इनको तो राजयुग में रहने लायक नहीं। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कलयुग के प्रभाव के वजह से इस तरह की शब्द का उच्चारण आता है। नाराज है उनके बयान से, हर ब्राह्मण नाराज होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर लगातार विवादों में रहते हैं। इसी बीच जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान आया है जो कहीं ना कहीं एक और विवाद खड़ा कर सकता है। दरअसल जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि पंडितों को भोज नहीं कराना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ तक कह दिया है कि पंडित सब हरामी होते हैं। इसी बीच हम राजधानी पटना में मौजूद है और कुछ ब्राह्मण से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि ये विवाद जो ये बयान है कहाँ तक सही है। क्या नाम है बाबा? ओंकार नाथ पाठक मेरा नाम है। कैसे देखते हैं उनके बयान? नहीं, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं, बहुत माने इसको कोई अथी अंत नहीं है बात का। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसे माननीय नेता को ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। ये ऊंच बात है, ये बात में बहुत घृणित है, बदबू आ रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सत्यनारायण कथा का तो बहुत महत्व है ना हिंदू में, पूरे आज से दादा बाबा से चले आ रहा है, ऋषि महर्षि के टाइम से चलते आ रहा है। हाँ, इसको गलत बोलना, ब्राह्मण को भोज नहीं कराना, ये सब गलत बात है। समय पे होता है सत्यनारायण? हाँ, हर पूजा पाठ में जब भी अथी होता है, कोई काम होता है, कोई बड़ा बड़ा अथी होता है, सत्यनारायण के कथा होता है, कहीं पूर्णमासी के होता है, आज पूर्णमासी है, आज भी कथा है। मांझी जी कह रहे सत्यनारायण कथा भी फालतू है, फिर उनको कहने से सब लुप्त होने वाला नहीं है। वो अपना बयान गलत देते हैं, उन बयान को लौटा लेना चाहिए, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए। कैसे देखते हैं? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हाँ बताइए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये तो बोल रहे हैं कि वो बूढ़ बुजुर्ग नेता हैं, माननीय नेता हैं, हम भी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, बहुत गलत बात है। ब्राह्मण को तौहीन करने वाले जो हैं वो अच्छा नहीं, वो नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं उठेंगे। ब्राह्मण समाज क्या कार्रवाई करेगी, क्या सरकार से कुछ बात? वो तो हमारा समाज अब बताएगा, अब हम क्या बताएं बाबू? आप मांग रखते हैं? हाँ, हम बोलेंगे समाज में, अपना कहेंगे कि गलत बात है, इसको आगे बढ़ाइए आप लोग। तो ब्राह्मण समाज में साफ तौर पर नाराजगी देखी जा सकती है जिस तरह से मांझी जी का बयान आया है उस पर। आगे और भी ब्राह्मणों से हम बात करेंगे और उनकी भी राय लेंगे, बने रहे वीडियो में। जी कह रहे हैं कि पंडित लोग को प्रसाद नहीं देना चाहिए, भोज नहीं कराना चाहिए। देखिए, मांझी जी मांझी हैं, इन्हीं के जात में वो समरी था कि वो देवता और साधु ऋषि के सेवा करके भगवान को प्राप्त कर पाया, बाकी ये तो चमचागिरी करके राजयोग को प्राप्त किया है। इसलिए विशेष इनको बारे में बोलना, कुछ भी बोलेंगे तो बहुत कम होगा, इसलिए कि अपने आप के ही सुधरे और ये अपना जो कर रहे हैं वो करें। इनको बोलने से या करने से कुछ नहीं होगा, इनको तो राजयुग में रहने लायक नहीं। पंडितों को हरामी तक कह दिए है जीतन राम? हाँ कह दिए, तो हम लोग तो ब्राह्मण हैं, हम लोग तो अशुद्ध है, आप शब्द नहीं बोलेंगे, गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, बाकी तब तो है कि लायक नहीं है, जो भी बोले हैं बहुत गलती बोले हैं और इनको पाप लिखा। ये मनुष्य प्राणी में ब्राह्मण जो है से सबले सुप्रियर होता है, और भगवान का अनुयायी होते हैं, और पूजा पाठ इनको रोकने से नहीं रुकेगा। पूजा पाठ तो होता है या होते रहेगा, वो तो संस्कृति है, पूजे पाठ पर हमारा देश दुनिया टिका हुआ है। सत्यनारायण कथा का हिंदू में क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है, ये विष्णु भगवान का पूजा है, ये साधारण पूजा नहीं है। गरीब से लेके गरीब हो, अमीर हो, साधु हो, संत हो, राजा हो, शुभ कार्य जब होता है तो सत्यनारायण भगवान के होता है। मांझी जी सत्यनारायण कथा पर भी टिप्पणी कर दिए? हाँ, तो टिप्पणी कर दिए मांझी जी, तो वो अच्छा नहीं किए। जिसका वंश नहीं होता है वो कथा कहने से वंश होता है, जिस दलिद्र होता है वो कथा कहने से धन होता है, जो जेल में कैदी होता है कथा सुनने से, प्रसाद खाने से जेल से मुक्त हो जाता है,
मांझी जी के तो प्रसाद खा के अपना मति गति और विचार को बदलना चाहिए। इनका बुरा संगत हो गया है, ये अपने आप में सुधार करें और नहीं तो इसका बड़ा अपराध का पाप के भाग बने। हिंदू धर्म में जब भी कोई शुभ समय आता है, जब भी कोई खुशी का मौका रहता है तो सत्यनारायण कथा घर में किया जाता है। ऐसे में जीतन राम मांझी सवाल उठा रहे हैं कि पंडित जी लोग जब मन करता है तब सत्यनारायण कथा कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ भिक्षा के लिए, सिर्फ और सिर्फ भोज खाने के लिए। पंडित जी कैसे देखते हैं इस बयान को आप? इसको तो हम अपने स्तर से, जिस परिवार ने सत्यनारायण भगवान का पूजा किया, जिस आस्था से पूजा किया, उसका मंगलमय ही रहता है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं। जहाँ तक रह गया खाने पीने का सवाल या हम लोग को याल याल षड्यंत्र रच रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा षड्यंत्र कितना कम आएगा। पूजा कराने जाएंगे तो 500 कमाएंगे, 1000 कमाएंगे, 2000 कमाएंगे, लेकिन उनका तो षड्यंत्र जो है से अरबों खरबों में जाता है, कम में थोड़े रहता है। कैसा षड्यंत्र? अब कैसा करते हैं वही ना जानेंगे। हम कथा करते हैं तो कथा के बाद हमसे पूछिए, वो भी तो कुछ सोचिएगा ना। बोल रहे हैं ब्राह्मण पर, भाई तो ये षड्यंत्र है ना, हम लोग कहेंगे। अंततो गत्वा हमारा यही लगता है कि बच्चा और बूढ़ा का दिमाग एक हो जाता है, उसी तरह से दोबारा बचपना में आ गए हैं। अब आगे फिर से उनको जैसे शिक्षा दीक्षा जैसे अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, उन्होंने कहा है कि पंडित सब हरामी आ जाते हैं। अरे कुछ बोले, स्वतंत्र न है, भारत हमारा स्वतंत्र है, उस पर थोड़े अंकुश लगाया हुआ है कि जैसे आप ही मत बोलिए। बोलिए, गलती कर रहे हैं, बोलने के लिए स्वतंत्र है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, अभी भी एक पद पे है, काफी मतलब राजनीति में एक ऊंचा कद है उनका, तब ऐसा बयान वो दे रहे हैं तो हम लोग क्या करें उनके यहाँ जाके गिड़गिड़ा है? ऐसा तो नहीं होगा। वो अपना बयान देते रहे, वो अपना काम करते रहे। जब हाथी जब सड़क पर चलता है तो हर छोटा 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 जो जीव होता है, गाय बकरी जो भी, तो बेचारा किनारे पकड़ लेता है कि पैर तर न आ जाए। तो इसी हम लोग भी किनारे पकड़ लें, अभी तो गरिया रहे हैं, हो सकता है कल पीछे लगेंगे। तुम कथा कहे कर आ रहे हो, ऐसा भी कर सकते हैं ना। अब उसका निर्णय समाज करेगा, कथा कराने वाला करेगा कि हम नहीं करावें। सत्यनारायण कथा और सनातन धर्म का क्या महत्व है, कितना पुराना महत्व है, काहे इस पर सवाल उठाते हैं मान जी? उतना हमको स्मरण में नहीं है जितना आप पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सनातन धर्म ही जो है सो सत्यनारायण जी का केवल पूजन करता है, और कोई धर्म नहीं करते हैं। और हर धर्म पर कहने उंगली उठाते हैं, हर धर्म के तो ब्राह्मण होते ही होंगे, एगो सनातने धर्म के ब्राह्मण को कहे ऐसा उंगली उठा रहे हैं? बोलिए, गलत कर रहे हैं तो? और किसी भी धर्म पर कहे नहीं उठा रहे हैं, उसका भी तो है ना पुरोहित भाई। तो साफ तौर पर ब्राह्मण समाज में नाराजगी देखी जा सकती है, यहाँ तक कि पंडित जी ने कह दिया कि जीतन राम मांझी का दिमाग अब बचपना हो गया है, बच्चा हो गया है, जो उम्र उनकी बढ़ती जा रही है, और जिस तरह का उनका बयान है कहीं ना कहीं निंदनीय है। आगे भी और लोगों से बात करेंगे, बने रहे वीडियो में। सनातन धर्म पर सवाल खड़े करना कहां तक सही है, ये हम बात करेंगे। एक पुजारी हमारे साथ मौजूद है, जीतन राम मांझी एक बड़ा बयान दिए है, कह रहे हैं कि पुजारी सब सिर्फ और सिर्फ भोज के लिए सत्यनारायण जी का कथा करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अध्यात्म पर विश्वास रखना चाहिए, हिंदू धर्म का परम कर्तव्य है, और भगवान पे आस्था रखना चाहिए। पुजारी सब पे अभद्र टिप्पणी भी कर दिए हैं, गाली गलौज तक दे दिए हैं पुजारी लोग को, ऐसा उनको बोलना उचित नहीं है, वैसा उनको नहीं कहना चाहिए था, क्षमा मांगना चाहिए जितना मांगे। हाँ चाहिए तो, अगर इस तरह की अगर बात बोले हैं तो ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, क्षमा याचना तो करना चाहिए। अगर वो क्षमा नहीं मांगते, अपने शब्दों को वापस नहीं लेते हैं, तो क्या कार्रवाई की मांग करेंगे आप? क्षमा नहीं मांगते हैं तब उनको क्या किया जा सकता है? अपने शब्द को वापस नहीं लेते हैं तब क्या चाहिए? अगर शब्द को वापस नहीं करते हैं तो उनको अब क्या कहा जा सकता है? वो तो एक विधायक है, विधायक होकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना कहाँ तक सही?
ऐसा करना उनको उचित नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। सत्यनारायण भगवत कथा का कुछ खास महत्व नहीं है क्या? बहुत बड़ी महत्व है, उसी पर तो पृथ्वी टिका हुआ है, विष्णु भगवान पे बहुत महत्व है, विष्णु भगवान पे ही पृथ्वी टिकी हुई है। सवाल उठा रहे हैं मांझी जी की सत्यनारायण कथा बस फिजूल में किया जाता है, कोई महत्व नहीं, वैसा कुछ नहीं है। ये कलयुग के प्रभाव के वजह से इस तरह की शब्द का उच्चारण आता है। नाराज है उनके बयान से? हर ब्राह्मण नाराज होगा, हम क्या, हर ब्राह्मण ही नाराज होगा और धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नाराजे हो गए। अभी हम कदम कुआं शिव मंदिर में मौजूद है और यहाँ के पुरोहित से हम जानेंगे कि मांझी जी के बयान को किस तरह से देखते हैं। बाबा प्रणाम। कैसे देखते हैं मांझी जी के बयान को? अभद्र टिप्पणी कर दिए है, कहते हैं सत्यनारायण कथा सिर्फ भोज के लिए करवाते हैं पंडित। गलत कहते हैं, कोई भी पूजा पाठ कोई जबरदस्ती नहीं कराता है, कोई जो है सो अगर आता है कहता है कि हमको पूजा कराना है, सत्यनारायण जी की पूजा कराना है, तो आदमी जाता है कराता है। जहाँ तक दान दक्षिणा की बात है, जो जिसका जो शक्ति रहता है उसको देता है, उसमें कोई बोझ नहीं समझता हम लोग। अभद्र भाषा भी बोले है, कह रहे हैं कि हरामी है पंडित जी लोग, झूठ मूठ का वो लोग करते हैं, सनातन धर्म पर सवाल खड़े किए। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, वो तो बहुत कुछ कहते हैं कि लोग कहते हैं कि धार्मिक स्थान जो है सो आमदनी का घर है। ठीक है, आमदनी का घर है, सब कोई अपने 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 कमाने के लिए कुछ करता है, हम लोग कोई किसी का पॉकेट नहीं ना करते हैं। सत्यनारायण कथा का कोई महत्व नहीं है क्या? बिल्कुल महत्व है, कोई भी कथा पूजा का धार्मिक महत्व है, जो मानता है कराते हैं, जो नहीं कराता है उसके घर पर जाके कहते हैं कि हम लोग को आप पूजा कराइए। सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं तब मांझी जी? सवाल अभी तक खड़े करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये तो उनके मनोवृत्ति क्या है वो तो वही जानते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, विधायक है, अभी ऐसा बयान दे रहे, इतने बड़े पद के आदमी है वो। पद की गरिमा को नहीं समझ पा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमने ब्राह्मण समाज से भी बात की और लगभग पुरोहित से बात की, पटना के विभिन्न मंदिरों में हमने घूमा और वहाँ के जो पुरोहित थे, साफ तौर पर नाराज़गी देखी जा सकती थी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के इस विवादित बयान पर। अब आम लोगों की राय भी ज़रूरी है। राजधानी पटना के कदम कुआं में आए हैं हम। आपके घर पर सत्यनारायण कथा की पूजा होती है? हम लोग देवघर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। सत्यनारायण पूजा होता है? होती है। हाँ। तो ब्राह्मण आते होंगे घर पर पूजा करवाने? ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा कराते हैं, दर दक्षिणा खिलाते पिलाते हैं। दक्षिणा देते हैं तो जबरदस्ती ब्राह्मण लेके जाते हैं कि खुशी से? खुशी से। तो 500 कभी दक्षिणा दक्षिणा तो बहुत बोलते हैं, लेकिन हमको जितना औकात है उतनी देने का है। जीएसटी वीएसटी भी जोड़ते हैं क्या? वो सब कुछ नहीं जोड़ते हैं, कुछ नहीं। सत्यनारायण कथा क्यों किया जाता है, क्या महत्व है? सत्यनारायण कथा भगवान की पूजा है, ये होते रहता है। हिंदू धर्म में कितना महत्व है? होते रहता है, बहुत महत्व है, बहुत महत्व सत्यनारायण कथा है। अच्छा मांझी जी ऐसा बयान दे रहे हैं कि पंडित जी लोग जबरदस्ती पूजा करवा देते हैं, नया नया कथा लेके आ जाते हैं, सत्यनारायण कथा पर भी सवाल खड़े किए हैं, उनको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो सब तो हम लोग के पास नहीं होता है। मांझी जी के पास होता होगा लेकिन हम लोग से नहीं होता है। सत्यनारायण का कथा करते हैं, उसके बाद उसको दर दक्षिणा देते हैं, दही चूड़ा खिलाते हैं, प्रेम से पंडित जी का इज्जत करते हैं। इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। मांझी जी हरामी कह दिए पंडित जी, अब ये हम नहीं कर सकते। कहाँ कैसे देखते, सही है कि गलत है, क्या कैसे देखते, अब ये हम कैसे बोल सकते। पंडित जी का आप लोग इज्जत करते हैं? हाँ, पंडित जी तो करवे करेंगे, पंडित जी से तो काम होता है ना। पंडित जी के हर काम में तो पंडित जी को बुलानी पड़ती है। पंडित जी के आशीर्वाद की क्या महत्व है, आशीर्वाद देते हैं तो क्या लगता है? आशीर्वाद देते हैं उसके बाद महसूस नहीं हो कि पंडित जी क्या आशीर्वाद दिए, ये बात तो है। चलिए, तो राजधानी पटना में हम मौजूद थे और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से ही लगभग ब्राह्मण समाज में काफ़ी नाराज़गी देखी जा सकती है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और साथ ही साथ क्षमा याचना भी करना चाहिए।
ऐसे में मांझी जी जो लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं, अब वापस से वो सुर्खियों में आ गए हैं अपने इस बयान को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे आप हेडलाइन बिहार के साथ। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।